viewers, today I'm going to teach you how to display, rotate or crop the image. For that you need first of all to import the CV2 module in Python. Import CV2. Now to read the image, use the imread method of CV2 module. अब इमेज को रीड करने के लिए हमें आई एम रेड मेथड यूज करना पड़ेगा। आई एम रेड मेथड जो होता है वो फाइल को, इमेज को रीड करके किसी ऑब्जेक्ट, किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। यहाँ पे हम लोग ने आई एम जी वेरिएबल दिया हुआ है। इसमें जब हम इमेज को रीड कर लेंगे तो हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो इमेज की टाइप दे देगा। ये इमेज, now this image is treated as matrix with row and column values stored in a image. Actually, if you check the type of image, it will give you the following result by printing type image. It will give the matrix type of the image. It's a NumPy array, that why image processing using OpenCV is so easy. OpenCV में NumPy use करके, array use करके image को खोलना बहुत easy हो जाता है। All the time you are working with NumPy array और हर समय हम NumPy array को use करते हैं। To display the image you can use the imShow method of CV2। जब हम image को read कर लेते हैं तो उसको display करने के लिए हमें imShow मेथड यूज करना पड़ता है, जो कि जो इमेज आपने रीड किया उसको डिस्प्ले करता है। फिर हमने दिया CV2 वेट की। वेट की क्या करता है, आपका थोड़ी देर के लिए, तब तक इमेज को नहीं आगे बढ़ाता है जब तक कि प्रोग्राम को, तब जब तक कि आप क्लिक नहीं करते। द वेट की फंक्शन टेक टाइम एज अ आर्गुमेंट इन मिली सेकेंड एज अ डिले फॉर द विंडो टू क्लोज। अब ये जो विंडो इमेज की खुली है उसको क्लोज करने के मिली सेकेंड तक वेट करता है। हियर वी सेट द टाइम टू जीरो टू शो द विंडो फॉर एवर अंटिल द क्लोजिंग मैनुअली। हमने क्योंकि यहाँ पे जीरो लिया है तो जब तक हम नहीं बंद करेंगे विंडो को तब तक वो खुली रहेगी। नाउ आई वॉन्ट टू रोटेट द इमेज। टू रोटेट दिस इमेज यू नीड द विड्थ एंड द हाइट ऑफ द इमेज, because you will use the time in rotation process as you will see later. क्योंकि हमें जो image हमने ली है उसको rotate करने के लिए हमें उसकी image की height और width निकालनी पड़ेगी, जो हम image dot shape 0:2 लिखने पर हमें image की size निकल आती है। The shape attribute return the height and width of the image matrix. If you print image shape 0:2 तो वो आपके शेप की इमेज मैट्रिक्स फॉर्म में दे देगा। नाउ वी हैव आवर इमेज मैट्रिक्स एंड वी वांट टू गेट रोटेट दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मींस है आपके हर डॉट का वो हिसाब दे देगा। द गेट द रोटेशन मैट्रिक्स वी यूज द गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। अब क्योंकि इमेज हम 2D फॉर्म में ले रहे हैं उसको, इसलिए वो गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D मेथड को हम यूज करेंगे और इमेज को रोटेट करेंगे। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, CV2 गेट रोटेशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स 2D। पहले उसका सेंटर ढूंढेगा, फिर उसका कितने एंगल रोटेट करना है और कितने स्केल है उस इमेज का लेना है आपको, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हियर द सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रोटेशन, द एंगल इज द एंगल इन डिग्री and scale is the scale property which make the image fit on the screen. जो आपके स्क्रीन पे फिट करने के लिए इमेज को आपका स्केल मेंशन करना पड़ेगा। टू गेट द रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ द इमेज द कोड विल बी, अब रोटेशन मैट्रिक्स का को प्राप्त करने के लिए आपको CV2 गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D विड्थ का हाफ और हाइट का हाफ करना पड़ेगा, और हमने उसको 90 डिग्री दिया तो वो 90 डिग्री रोटेट करेगा, और उसकी स्केल हमने 0.5 मतलब हाफ कर दी, उसकी परसेंटेज हाफ कर दी स्केल की। द नेक्स्ट स्टेप टू रोटेट आवर इमेज विद द हेल्प ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स, टू रोटेट द इमेज वी हैव टू CV2 मेथड नेम्ड रैप एफिन विच टेक्स द ओरिजिनल इमेज the rotation matrix of the image and the width and height of the image. अब हम इसके लिए हमको method wrap affine
यूज करना पड़ेगा जो कि इमेज की विड्थ और हाइट के आर्गुमेंट्स को लेती है। अब उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, रोटेट इमेज इक्वल्स टू सी वी टू रैप एफ एन, अब इमेज कॉमा रोटेट मैट्रिक्स जो हमने निकाला था उसकी विड्थ और हाइट जो निकाली थी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो उतनी विड्थ और हाइट को रोटेट करेगा इमेज की जितनी यहाँ पर मेंशन है, और रोटेट मैट्रिक्स की हेल्प से करेगा। रोटेट मैट्रिक्स हम लोग ने यहाँ पे निकाला ना कि जितनी विड्थ उसका हाफ कर दो, जितनी हाइट उसका हाफ कर दो और 90.5 कर दो, 90 डिग्री रोटेट कर दो और उसकी परसेंटेज हाफ कर दो। रोटेशन इमेज इज स्टोर्ड इन अ रोटेटेड इमेज मैट्रिक्स, अब ये रोटेटेड इमेज जो होती है वो रोटेटेड इमेज मैट्रिक्स में स्टोर हो जाएगी। टू शो द इमेज एज इमेज शो एज बिलो सी वी टू इमेज शो रोटेटेड इमेज इक्वल्स टू रोटेटेड इमेज, अब वो वहाँ पर रोटेटेड इमेज को आप शो कर दीजिएगा और फिर वेट की देंगे तो हम वो थोड़ी देर के लिए रोटेटेड इमेज रुक जाएगी। नाउ रन दिस प्रोग्राम एंड गेट द रोटेटेड इमेज, जस्ट सी दिस इज द ओरिजिनल इमेज विच आई एम डिस्प्लेइंग, देन व्हेन यू रोटेट इट देन इट विल गिव यू अ रोटेटेड इमेज। सो हाफ हो गई इमेज और उसकी परसेंटेज और वो आपकी टर्न हो गई, रोटेट हो गई। आफ्टर रनिंग द अबव लाइंस ऑफ द कोड यू विल गेट हैव अ फॉलोइंग आउटपुट, जो हमने आउटपुट आपको अभी दिखाया वो आउटपुट आएगा। नाउ हाउ टू क्रॉप एन इमेज, अगर कोई इमेज दी है और उसको क्रॉप करना है, उसको छोटा बड़ा करना है, कहीं से काट देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट वी नीड टू इम्प्रूव द सीवी टू मॉड्यूल एंड ब्रिंग द इमेज एक्सट्रैक्ट वेथ एंड हाइट, उसके लिए फिर से हमें वेथ और हाइट निकालनी पड़ेगी। अब फिर तो हाइट निकालने से पहले पहले इमेज को रीड करेंगे, आई एम रीड करेंगे, उसका टाइप निकालेंगे। देखिए आ रहा है ना नम पाई एन एन डी एरे, बताता है कि जो कुछ भी आप इमेज रीड करते हो नम पाई के एरे में चला जाता है। प्रिंट टाइप इमेज एंड देन सी वी टू इमेज शो ओरिजिनल इमेज कॉमा इमेज वन, अब हमने दूसरी इमेज को इमेज वन में पढ़ा और उसका टाइप भी शो किया और उस इमेज को शो कर दिया। नाउ सी वी टू वेट किया, अब शो करने के बाद थोड़ी देर उसको रोका, अब ना चाहे तो हम ना भी रोक सकते हैं। अब उसकी हाइट और वेथ निकाली, फिर जैसे पहले निकाली थी उसको प्रिंट करके देख लेंगे कितना आया हाइट और वेथ। नाउ गेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द रो एंड कॉलम, अब आप हमको रो जो इमेज है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग रो कॉलम निकालना पड़ेगा इंडेक्स। दिस विल डिफाइन द साइज ऑफ न्यूली क्रिएटेड इमेज, अब जब वो उसका इंडेक्स फाइंड आउट होगा तो वो न्यू इमेज की साइज को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट फॉर रो नंबर 10 टिल नाउ रो नंबर 15 विल गिव द हाइट ऑफ द इमेज, एंड सिमिलरली स्टार्ट द कॉलम नंबर 10 एंड कॉलम नंबर 15 विल गिव द विड्थ ऑफ द इमेज। अब अगर आपको इस तरह से निकालना है तो रो और कॉलम के विड्थ को स्टार्ट और एंड पोजीशन निकालना पड़ेगा। यू कैन गेट द स्टार्टिंग पॉइंट बाय स्पेसिफाइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द टोटल हाइट एंड टोटल विड्थ, या फिर हम उसको टोटल हाइट और विड्थ के परसेंटेज के हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग रो और कॉलम निकाल सकते हैं। सिमिलरली टू गेट द एंडिंग पॉइंट, और इसी तरह से एंड पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं। टू क्रॉप द इमेज स्पेसिफाई द परसेंटेज वैल्यू एज बिलो, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो हाइट और विड्थ निकली थी उसका 15% रो की स्टार्टिंग वैल्यू ले ली और स्टार्टिंग कॉलम 10 ले लिया, हाफ 10% से निकाल लिया उसका, और हाइट को 90% निकाला है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नाउ मैप दिस वैल्यू टू द ओरिजिनल इमेज, अब इस वैल्यू को हम ओरिजिनल इमेज की जो हाइट और वेथ निकली थी उससे मैप करेंगे। नोट दैट यू हैव टू कास्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू टू द इंटीजर, बिकॉज व्हेन मैपिंग द इंडेक्स आर ऑलवेज इंटेजर, अब मैप करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इंडेक्स जो होगा वो इंटेजर होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। सो क्रॉप द इमेज इक्वल्स टू,
आईएमजी स्टार्ट रो एंड रो, स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। अब आप उसने स्टार्टिंग रो कॉलम पोजीशन दे दिया, एंडिंग रो पोजीशन दे दिया। हियर वी स्पेसिफाई द रेंज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग ऑफ रो एंड कॉलम, नॉट डिस्प्ले द ओरिजिनल एंड क्रॉप इमेज इन आउटपुट। अब हमने क्रॉप इमेज निकालने के लिए उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देकर उसको क्रॉप कर लिया, और अब हम दोनों इमेज को रन करके शो करेंगे कि कितना क्रॉप हुआ है वो जो इमेज ओरिजिनल थी, और उसको फिर वेट करेंगे। तो नाउ रन दिस प्रोग्राम एंड गेट इट। तो शुरू से वो रन कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको रोटेट किया। अब इसके बाद हमारी ये सेकेंड इमेज आई जिसको हमें क्रॉप करना है, तो हमने उसका रो और कॉलम से परसेंटेज निकाली थी। देखिए ये क्रॉप हो गई, ऊपर से देखिए इसका घंटा चला गया, ऊपर से 76 चला गया जो ऊपर वाला था, और नीचे से ये जो पिंडी रखी है उसमें से नीचे कट गया, इधर साइड में कट गया, और इधर घंटा भी ये देखिए पूरा नहीं आया, ये मेज नहीं आई, ये पूरी कट गया थोड़ा सा। तो इस तरह से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। सो हम लोग ने आज दो चीज़ें सीखी, और आगे अगर सीखना होगा तो आप दूसरे वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से एट्रीब्यूट, बहुत से मेथड हैं, अगर हम एक साथ सब पढ़ा देंगे तो आपको नहीं आएगा। पढ़ाने को तो हम दसों जो हमने कल बताए थे वो सारे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़िए ना तो आपको समझ नहीं आएगा। सो थैंक यू गूगल, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यूज इन योर प्रोजेक्ट। इफ यू आर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट एंड यू वॉन्ट हेल्प देम प्लीज कमेंट इन माई वीडियो, सो आई विल हेल्प यू इन अ प्रोजेक्ट। I did so many advanced project also, like emotion detection, face detection, mass detection and many more. So you people comment me and get the source code of your project for your school. Thank you viewers. Please follow my social media links and telegram channel and subscribe the YouTube channel. आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अगर नहीं पसंद आता तो भी कमेंट में लिखो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ आता है और कुछ आपको और पूछना है तो भी आप कमेंट करके पूछो कि आपको क्या पूछना है, तभी तो हम जानेंगे कि आपको क्या चाहिए। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।